अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर 03024489001। व्यूअर्स, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की जो इस वक्त अवेलेबल इन्वेंट्री है, इसके साथ साथ जो कमर्शियल है। व्यूअर्स, 20% डाउन पेमेंट के ऊपर इन्वेंट्री, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स की ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। मार्केट में कुछ ऑप्शंस जो है वो मिल रही हैं अभी जो 20% डाउन पेमेंट के साथ हैं। अब व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कमर्शियल प्लॉट्स की। तो कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर व्यूअर्स हमारे पास जो है वो ओवरसीज़ 2 के अंदर स्कूल रोड के ऊपर जो है वो 8 मरला कमर्शियल की ऑप्शन इस लेन के अंदर जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बुकिंग प्राइस इसकी 179.50 है और ये 20% डाउन पेमेंट के ऊपर जो ऑप्शंस अवेलेबल है। 3 ईयर्स का पेमेंट प्लान है। फ्रंट और बैक के ऊपर यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 4 मरला कमर्शियल की ऑप्शंस मिल जाएंगी, जिस तरह सेक्टर एफ है, सेक्टर जी के अंदर है, सेक्टर के अंदर है, इसी तरह सेक्टर डी के अंदर, सेक्टर सी के अंदर। यहाँ पे भी 4 मरला कमर्शियल जो है वो ओवरसीज़ की 94,50,000 इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ लैंड, और 20% से आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट के साथ जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर प्लॉट के ऑप्शंस भी अवेलेबल है सेक्टर आई के अंदर। अगर बात करते चलेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और चीज़ों को सम अप करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि सेक्टर बी के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक पेयर के ऑप्शन है और सिंगल प्लॉट्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे प्लॉट नंबर 14 और 15, ये 100 फीट रिंग रोड है जो कि ऑनगोइंग साइट के ऊपर कंस्ट्रक्ट हो चुकी हुई है। यहाँ पे प्लॉट के ऑप्शन अवेलेबल है। 19 लाख रुपये इसकी बुकिंग प्राइस है, 19 लाख ही इसमें पेड है और ये हमें 8.5 लाख रुपये ऑन पे अवेलेबल है। अगर ईच प्लॉट लेना चाहें वो भी अवेलेबल है, पेयर लेना चाहें तो वो उसकी ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास इधर सेक्टर ए के अंदर ये पार्क रोड है, यहाँ पे ये एरिया आप देख रहे हैं पर्पल सा, यहाँ पे विलास बनेंगे, सोसाइटी खुद यहाँ पे डेवलपर विलास बना के बेचेगा। इसके इमीडिएट बैक के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी 19 लाख की बुकिंग है और ये हमें काफ़ी मुनासिब प्राइस के ऊपर 5.5 से 6 लाख रुपये के इन बिटवीन जो इसकी ऑप्शन जो है वो मिल जाती है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। इसके अलावा हमारे पास इस पोर्शन के अंदर भी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है जो कि 5 लाख रुपये तक ऑन तक मिल जाती है 19 लाख रुपये वाली बुकिंग के साथ। व्यूअर्स, इस मैप के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल्स की न्यू कटिंग जो है वो मैप के अंदर एड ऑन हो चुकी हुई है। अपकमिंग जो न्यू मैप आएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, उसके अंदर यहाँ पे जो है वो 4 मरला कमर्शियल्स की ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह जैसे ही वो मार्केट के अंदर आएंगी फॉर सेल तो हम आपके साथ जो है वो भी डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लॉट नंबर ड्राइववे 4 के अंदर जो है वो प्लॉट नंबर 36 से प्लॉट नंबर 40 के इन बिटवीन जो है वो प्लॉट की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। आप जानते हैं कि कमर्शियल जो है वो हमेशा लोकेशन के ऊपर सेल होता है। ये 225 फीट की कमर्शियल एवेन्यू है, इसके इमीडिएट फ्रंट के ऊपर 8 मरला और बैक के ऊपर 4 मरला कमर्शियल्स है और यहाँ पर लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास एक 4 मरला कमर्शियल की ऑप्शन जो है वो सेक्टर बी एग्जीक्यूटिव के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ड्राइववे 8 के यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी जस्ट 40% डाउन पेमेंट के साथ और ये भी बहुत ही मुनासिब ऑन के साथ जो है इसकी ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला सेक्टर ए एग्जीक्यूटिव 1 जी व्यूअर्स, ये एग्जीक्यूटिव 1 एग्जीक्यूटिव वेस्ट है जहाँ पे ऑनगोइंग डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे हमारे पास इस लेन के अंदर प्लॉट की ऑप्शंस अवेलेबल है। 10 मरले का प्लॉट है रेजिडेंशियल, इसकी इनिशियल बुकिंग जो है 33 लाख रुपीज़ वाली है, ऑलमोस्ट 100% पेड है, ये हमें काफ़ी मुनासिब प्राइस के ऊपर 4 से 5 लाख ऑप्शन पे मिल जाता है। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें यहीं पे सेक्टर ई की, ये ओवरसीज सेंट्रल है, तो यहाँ पे हमारे पास सेक्टर ई में इस पोर्शन के अंदर प्लॉट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। 18 लाख वाली बुकिंग जो है वो जस्ट आपको 16.5 में मिल जाएगी यानी कि 16.5 लाख रुपये में। यहाँ पे हमारे पास प्लॉट की ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें कुछ प्लॉट जो है हमारे पास 16 लाख रुपये में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेक्टर एफ की बात करें तो इस एरिया के अंदर जो बिल्कुल लास्ट रो है यहाँ पे प्लॉट की ऑप्शंस जो है अवेलेबल है 2 से 2.25 लाख रुपये ऑन पे, अगर जो दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हो और वो ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी प्राइस है। 18 लाख रुपये इसकी बुकिंग प्राइस है और इस वक्त इसकी जो ऑल ड्यूज क्लियर के साथ ऑप्शन की अवेलेबिलिटी मौजूद है वो यहाँ पर हमें 16.5 लाख रुपये में ऑप्शन जो है वो मिल जाती है। व्यूअर्स, अगर हम लोग बात करें इसमें
एक कनाल की। तो व्यूज एक कनाल की यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है 54 लाख रुपीज़ वाली, बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर है। लेन नंबर 1 के अंदर और लेन नंबर 2 में भी, दोनों में ऑप्शंस की हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। व्यूज सेक्टर आई के अंदर हमारे पास प्लॉट नंबर 70 से 73 के इन बिटवीन यहाँ पे प्लॉट की ऑप्शन अवेलेबल है। 10 मरला 34 लाख वाली बुकिंग, आइडियल लोकेशन है, रिंग रोड 100 फीट की बैक है, फ्रंट पे ये एक कनाल की प्लॉट्स है, इसकी इमीजिएट बैक के ऊपर 10 मरला की ऑप्शन है और बहुत ही मुनासिब प्राइस के ऊपर इसकी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। व्यूज नेक्स्ट बात करें तो सेक्टर डी के अंदर हमारे पास सिंगल डिजिट के अंदर यहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल है, 19 लाख रुपये वाली बुकिंग है और जस्ट 4 to 5 लाख के इन बिटवीन जो है वो यहाँ पे सेलर आस्किंग कर रहा है और यहाँ पे ऑफर भी जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। व्यूज इसी तरह हमारे पास जो है वो सेक्टर सी के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे हमारे पास 10 मरला की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसी एरिया में 10 मरला की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर एक कनाल की बात करें तो हमारे पास व्यूज सेक्टर बी के अंदर लेन नंबर 4 में इस एरिया पोर्शन में नियरेस्ट टू पार्क, प्ले ग्राउंड, नियरेस्ट टू मॉस्क, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो प्लॉट की अवेलेबल है और ये जस्ट 55 लाख रुपीज़ वाली बुकिंग है। ऑलमोस्ट इसमें 90% के करीब जो है वो पेमेंट जा चुकी है और ये बहुत ही आइडियल लोकेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। बिल्कुल इमीडिएट बैक के ऊपर इसके सऊदी जर्मन हॉस्पिटल है। और अगर हम लोग न्यू एक्सेस रोड की बात करें तो रिंग रोड की जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से एंटर होते साथ ही फर्स्ट ये वाला जो पोर्शन है सबसे प्राइम है ओवरसीज सेंट्रल का, ई कनाल की कटिंग है और यही जो रोड है फर्दर आगे मूव होते हुए ये क्रॉस करती है टूवर्ड फेज 2 की तरफ इन फ्यूचर। व्यूअर्स इंशाल्लाह तरह फेज 2 की भी अभी बात करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे मैं बात करता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है 7 मरला की, जो सबसे आइडियल ऑप्शन मैं समझता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लेन नंबर 23 में 7 मरला की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ की आपको पता है कि ओवरसीज वेस्ट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट का काम जारी है। यहाँ पे 29,75,000 रुपये वाली बुकिंग है जो कि फर्स्ट बुकिंग थी 29,75,000 रुपीज़ वाली और इसमें जस्ट 40% पेड है। जी व्यूअर्स, इसमें जस्ट 40% डाउन पेमेंट के साथ ये प्लॉट की ऑप्शन अवेलेबल है, जिनका बजट कम है। 12,75,000 रुपये इसमें डाउन पेमेंट पेड है प्लस इसके ऊपर आप ऑन पे करेंगे इस वक्त यहाँ पे 5.5 लाख रुपये ऑन में ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है और बहुत ही आइडियल ऑप्शन है। अगर हम लोग बात करें इंस्टॉलमेंट प्लान की तो इसका ऑलमोस्ट हमें 2 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो रिमेनिंग देखने को मिलेगा। व्यूअर्स इसी तरह हमारे पास जो है वो सेंट्रल बुलेवार्ड जो 312 फीट वाइड है इसमें हमारे पास मेन की बैक के ऊपर जो है वो ऑप्शन की अवेलेबिलिटी है। जो दोस्त भी 8 मरला कमर्शल जो है वो मेन की बैक पे लेने में इंटरेस्टेड हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। व्यूअर्स इसके साथ साथ मैं आपसे ओवरऑल बात करता चलूँ तो व्यूअर्स यहाँ पे जो 5 मरला एग्जेक्टिव है लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर मिनिमम वो 16 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जो प्राइस है जो कि नॉन पोजेशन एरिया की है वो हमें यहाँ पे मिलती है अराउंड कोई 24-25 लाख। अगर आपका प्लॉट जो है वो एग्जेक्टिव ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं 173 फीट रोड पे तो ये आपकी अच्छी प्राइस के ऊपर जो है सेल हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ओवरसीज़ की तो व्यूअर्स ओवरसीज़ के अंदर हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स अवेलेबल हैं प्राइस वो हमें 23 लाख रुपये से स्टार्ट होती है नॉन पोजेशन एरिया और मैक्सिमम 30 लाख रुपये पर जाता है नॉन पोजेशन एरिया के अंदर। और व्यूअर्स अगर हम लोग बात करें पोजेशन एरिया ओवरसीज़ प्राइम की तो यहाँ पर हमारे पास 5 मरला के ऑप्शन जो है वो 43 से 45 लाख इन बिटवीन जो है ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह व्यूअर्स जो सेल्स की 10 मरला है एग्जेक्टिव ब्लॉक वो हमें मिल जाता है इस वक्त 30 लाख से लेके और 38 लाख के इन बिटवीन। इसी तरह कमर्शियल की रेंज है, इसी तरह डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। इस वक्त प्राइसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा लो है और लो प्राइसेस के अंदर आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए। ये बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का ना कि सेल करने का। तो आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट टाइम कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको कमर्शियल में जाना चाहिए, अदरवाइज रेजिडेंशियल में जो एरिया डेवलप है जिसमें पोजेशन आने को बहुत जल्द आने वाला है कमिंग सून है वो सेक्टर बी है और सेक्टर ए का कुछ पोर्शन है यहाँ पे पोजेशन आने वाले। इसके साथ साथ ये 4 मरला कमर्शियल की एरियाज हैं ये भी ऑन ग्राउंड डेवलप है, ये एरिया कुछ एरिया डेवलप हुआ हुआ है। इसके साथ साथ ये पार्क रोड बड़ी आइडियल है लेकिन पार्क रोड के ऊपर क्योंकि विलाज बन रहे हैं तो उसके नियरेस्ट एरिया जल्दी पॉपुलेट होगा। ये जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये पर्पल कलर का हर ब्लॉक के अंदर ये रिजर्व है फॉर
विलास। तो जैसे ही विलास की भी डील आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो करंट सिनेरियो है मार्केट का वो आपके सामने है, प्राइसेस मैंने आपके साथ अपडेट की, इसके साथ साथ जो कमर्शियल हैं लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट के साथ और लिमिटेड सप्लाई है, अगर आप मार्केट में 2-3-4 प्लॉट लेने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे आपको लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट के साथ ऑप्शन, जस्ट 20% डाउन पेमेंट के साथ जो है वो ऑप्शन विद प्लॉट नंबर जो है उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। अब हम क्विकली बात करते हैं जो थर्ड बैलेट का सेकेंड स्लैब है अभी और उसकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है सिलेक्शंस। व्यूअर्स आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो सिलेक्शन करनी है रेजिडेंशियल की, वो सबसे पहले आप या तो कॉर्नर देखें, फिजिक पार्क देखें, अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीक कॉर्नर पर चले जाएं और कोशिश करें कि मेन के जितने आप करीब रहेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। फेसिंग कमर्शियल ना हो बट मेन के जितने भी करीब एरियाज हैं किसी भी कैटेगरीज के अंदर वो सबसे बेस्ट है। अगर आप कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, 8 मरला कमर्शियल की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले सिलेक्शन करें सेक्टर ए के 8 मरला कमर्शियल, लेकिन ख्याल करें कि रिंग रोड के ऊपर होना चाहिए, मेन की बैक पे ना हो, मेन रोड के ऊपर हो। 8 मरला कमर्शियल की वर्थ ही तब बनेगी जब आपका प्लॉट मेन रोड के ऊपर होगा। अगर सेक्टर ए में प्लॉट्स की ऑप्शन नहीं मिलती तो आपको सेक्टर बी में जाना चाहिए, अगर वहाँ नहीं मिलती तो सेक्टर ई में आए क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है, एक ही रोड के ऊपर आ रहे हैं। अगर यहाँ नहीं मिलती तो आपको सेक्टर सी में जाना चाहिए। लेट्स से अगर ये सारी जगह ऑक्यूपाइड है तो फिर आपके पास ऑप्शन ही सेक्टर एफ की रहती है। और अगर आपके पास ओवरसीज 4 मरला कमर्शियल है तो आपके पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर प्लॉट सिलेक्शन वो है इस वक्त सेक्टर बी के अंदर, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे आप प्लॉट सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको डाइसीफिल रोड की जो कनेक्शन रोड है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्लॉट लिमिटेड मिलते हैं। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इस एरिए को प्रेफर करें। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलती, मेन पे नहीं मिलती, मेन की बैक मिल रही है तो फिर आप इसको स्किप करके तो फिर आपको सेक्टर बी के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो प्लॉट की सिलेक्शन करनी चाहिए। फॉर मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03024489001। इसके अलावा अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करने का इरादा रखते हैं तो उसके लिए भी आप अपने प्लॉट की वैल्यूएशन के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।